आज हम कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं और सबरा नेशनल क्रिश्चियन पार्टी यहाँ पे मौजूद है पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए और कुछ मुतालबात है। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्या कहते हैं। जी देखो जी, आज का एहतजाज जो है कराची प्रेस क्लब में आने का मकसद यह है क्योंकि मजहबी रहनुमा सियासी रहनुमा 16 अगस्त के सहने को सॉल्व करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके, क्योंकि 16 अगस्त का जो सानिया है ये मसीह कौम के लिए एक रकमकारी है और हम फौज से अपील करते हैं कि वो इस मामले को सुलझाए और इन जत्थों इन कट्टों को कंट्रोल करें, क्योंकि याद रखें तो इनको और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय फौज के। फौज ने जो इतनी बड़ी दहशतगर्दी को मुल्क से खत्म किया, कराची को अमन बख्शा, तो ये चंद फिर फिरे और गुमराहकुन लोग जो है जो मुल्क में इंतजार फैला रहे हैं ये जो दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक है इनके ऊपर हाथ डाले, क्योंकि आर्मी चीफ के ऊपर ही अब जो है अकलीती आवाम खुदकर मसीह आवाम की नजरें हैं, क्योंकि अगर अकलीती आवाम फौज की तरफ नहीं देखे तो किसकी तरफ देखे, क्योंकि अदलिया भी इंसाफ देने में नाकाम हो चुकी है और सियासी जमातें जो है वो स्वयं दिलासे देने के लिए और कुछ नहीं करी, और मजहबी लोग जो है वो भी आके सिर्फ यही कहते हैं कि वो हमारे लोग नहीं है। तो मैं कहता हूं, आईजी कहता है कि वो राह के एजेंट हैं, मुस्लिम उलमा कहते हैं कि वो जो है वो मुस्लिम नहीं है। अब आप मुझे बताएं जो मुस्लिम भी नहीं है वो और वो राह के एजेंट है तो फिर फौज का काम नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या फौज हमें इजाजत दे दे कि क्रिश्चियन जो है इन जत्थों को खुद रोके। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि क्रिश्चियन इतने कमजोर नहीं कि इन जत्थों को रोक ना सके। ये बुजदिल लोग हैं, ये तोलियों की शक्ल में आते हैं, कमजोर लोग हैं, ये लूटमार करने आते हैं, इनका और मकसद नहीं है। अगर ये लूटमार करने ना आए तो मैं समझता हूं फिर आप ये देखें कि घरों के घर क्यों लूट लिए जाते हैं। तो आर्मी चीफ जहां बिजनेसमैनों से मिल रहे हैं वह मसीह अवाम से भी मिले, मसीह अवाम से मिले, क्योंकि मसीह अवाम जो है उनकी तरफ देख रही है। जब आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है और उनका उनका उनको चाहिए कि क्रिश्चियन लोगों के साथ रब्ता करें, क्रिश्चियन लोगों को सीने से लगाए, क्रिश्चियन लोगों में इत्माद को बहाल करें, क्रिश्चियन लोगों से इस खौफ की सजा को खत्म करें। क्योंकि याद रखें जब तहीन मजहब के केस बनते थे तो याद रखें कराची में हम जो होते थे खाली मुजहरा करते थे, लोग नहीं करते थे, लोग दर्द उदर करते थे या खौफ में थे। आज आप देखें जब 16 तारीख का वाकया हुआ पूरे पाकिस्तान से लोग निकले हैं, इसका मतलब है कि मसीह कौम खौफ के एहसार से निकल आई है। तो खुदारा अगर ये अपने दिफा के लिए निकल आई तो फिर बहुत बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आर्मी चीफ आगे है, कौम उनके साथ है, जहां लोड शेडिंग के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, नाकानूनियत के खिलाफ फौज को आना चाहिए, उसी तरह मसीहों को तहफ्फुज देने के लिए भी फौज को आना चाहिए। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद।